दीगर खबरों में आपको बताएं कि हिटलर तो लाहौर कभी नहीं आए, लेकिन उनके इस्तेमाल में रही गाड़ी अब भी लाहौर में ही मौजूद है। हिटलर ने अपनी गाड़ी रेनॉल्ट बेंज अलामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी को तोहफे में दी थी। ये गाड़ी किस हालत में मौजूद है बता रही हैं आयशा था। जहद शख्सियत के बड़े रियाजी दान और मजहबी स्कॉलर अलामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी दुनिया जिनके काम की मौत तरफ। अनायतुल्लाह खान को 1942 की रेनॉल्ट बेंज गाड़ी हिटलर ने तोहफे में दी। गाड़ी लाहौर के इलाके इचरे के एक घर में आज भी मौजूद है। लकड़ी का बोसीदा शोकेस इस तारीखी गाड़ी को अपने अंदर महफूज तो किए हुए है, लेकिन इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं। अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी के पोते और सीनियर सहाफी हामिद खान मशरिकी का कहना था कि अल्लामा की साइंसी सूझबूझ और माहिर रियाजियात की हैसियत से इनके खदमात के एतराफ में ये कार इन्हें पेश की थी। ये गाड़ी हिटलर ने अल्लामा मशरिकी साहब को तोहफे में भेजी 40 की दहाई के आगाज में। ये गाड़ी अल्लामा मशरिकी के साथ साथ अगर हिटलर से मंसूब है तो वाहिद गाड़ी होगी बरे सगीर में क्या दुनिया में जो दो मशहूर शख्सियात से एक बयक वक्त मंसूब है, और ये एक कौमी वरसा की हैसियत रखती है। इस संगालूद गलती सड़ती कार के बिल्कुल साथ ही दो कब्रें भी मौजूद है, एक अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी और दूसरी इनकी शरीक हयात की। अल्लामा मशरिकी साहब तारीख ना सिर्फ इस बरे सगीर बल्कि पूरी दुनिया में बेहतरीन रियाजी दान के तौर पर जाने जाते थे। अल्लामा मशरिकी बहुत बड़े स्कॉलर और जीनियस थे। अल्लामा मशरिकी ने ना सिर्फ बरे सगीर में तालीम के हवाले से बहुत काम किया, उसके अलावा उनका तहरीक पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इसमें बरे सगीर में मुसलमानों की आज़ादी में बड़ा किरदार है। हामिद खान मशरिकी का कहना था कि हुकूमत कार को कौमी और तारीखी वरसा करार देकर मरम्मत रंगो रोगन करवा कर म्यूजियम में महफूज कराए, वरना ये काट कबाड़ का ढेर रह जाएगी।